दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव साई कॉस्मेटिक्स पुणे से समय समय पे आपसे बात करता रहता हूँ, और आज एक बड़ा टिपिकल टॉपिक मेरे को बोलने के लिए दिया जा रहा है, एंड दैट इज टू एक्सप्लेन अबाउट अर्जेंसी ऑफ ए हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज अ प्लांट सर्जरी। इसमें अर्जेंसी क्या है? पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी स्टोन है, उसके लिए आपको अर्जेंसी में सर्जरी करानी पड़ सकती है। पर हेयर ट्रांसप्लांट में हाँ, कुछ कुछ अर्जेंसी होती है हेयर ट्रांसप्लांट में। फर्ज करिए कि आपकी शादी होने वाली है और आपको शादी के समय तक बाल चाहिए, और आपकी शादी की डेट आज से 5 महीने के बाद की है, तो मैं कहूंगा यू आर अर्जेंटली इन अ नीड ऑफ ए हेयर ट्रांसप्लांट। क्योंकि जब तक आप शादी के लिए रिसेप्शन में बैठोगे, आपके सर पे बाल तो होने चाहिए ना, तो इसलिए ये पहला अर्जेंट नीड बनी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। दूसरी चीज, आपकी उम्र 23-24-25 साल की हो गई, आपके घर वाले आपके लिए मैच ढूंढना शुरू करते हैं और आपको आपके बालों की चिंता सता रही है, तो अगर आप मैच ढूंढना शुरू करने के पहले, डेटिंग शुरू करने के पहले अगर एक हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे तो आपको अच्छा मैच मिलेगा, रिवार्ड अच्छे मिलेंगे, ऐसा बात। तो ये एक और अर्जेंसी का पॉइंट हुआ। दूसरी चीज, देयर आर सर्टेन कैरियर्स विच नीड अर्जेंसी इन अ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। दीज कैरियर्स आर मॉडलिंग, एयर स्टीवर्ड्स हैं, एयर हॉस्टेसेस हैं, देन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, एक्टर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, टेलीविजन एक्टर्स हैं। शो शुरू होने वाला है, सर मेरा शो शुरू होने वाला है 4 महीने है, मेरी फिल्म शुरू होने वाली है 4 महीने है, 5 महीने है, उनको मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। हेयर ट्रांसप्लांट शुड बी डन टू यू इन एन अर्जेंट मैनर। सो दिस अगेन इज अ कॉज ऑफ अर्जेंसी इन अ हेयर ट्रांसप्लांट। फाइनली, जैसे आप मिस्टर धोनी को देखेंगे, धोनी साहब ने हेयर ट्रांसप्लांट टर्की जाके कराया, वो तो उसके बारे में तो मैं खुश नहीं हूँ, उन्हें हिंदुस्तान में ही कराना चाहिए था, हमारे पास ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने टर्की में जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन अपने क्रिकेटिंग सीजन के शुरू होने के 4 महीने पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, ताकि उनको धूप में भागना दौड़ना ना पड़े हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। उन्होंने अच्छा सोचा, उनके डॉक्टर्स ने उनको अच्छा एडवाइस किया। अगेन अ केस ऑफ अर्जेंसी इन हेयर ट्रांसप्लांट। पर्सनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, किसी आदमी को लगता है, मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, और वो अपने माँ बाप से कह रहा था, 19 साल का लड़का, मैं कॉलेज तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे सर पे बाल नहीं आ जाएंगे। मैंने उसका हेयर ट्रांसप्लांट करके दिया, वो मध्य प्रदेश से थे और अब उनके बहुत सारे बाल हैं और वो खुशी खुशी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पहुंच गए। इसके अलावा आप कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम गंजे हो रहे हैं, सर हम गंजे हो रहे हैं। मेरे दोस्तों को ये इससे पहले कि पता पड़े कि मैं पूर्ण रूप से गंजा हो गया और मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मैं बोलना ही नहीं चाहता अपने दोस्तों को कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। क्या मैं अभी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ? अगेन, यस, दिस इज अ केस ऑफ अर्जेंसी इन ए हेयर ट्रांसप्लांट। आप आज भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं अपनी कंडीशन का अंदाजा लगा के कि 1 साल बाद वो क्या होगी। अगेन एन अर्जेंट केस। इसके अलावा फीमेल ट्रीटमेंट्स में, पीसीओडी वगैरह में, फीमेल पेशेंट्स को अर्जेंसी में हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, क्योंकि उनकी लुक्स बहुत खराब हो जाती हैं। एंड सर्टेन केसेस ऑफ एलोपेशिया एरिएटा, जहां पैची हेयर लॉस होता है, उसमें भी जैसे ही एलोपेशिया एरिएटा स्टेबलाइज हो जाता है, रुक जाता है पैचेस का बढ़ना, हमको जल्दी से जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। मैं यहीं पर रुकता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको, और फिर जल्दी ही हाजिर होऊंगा कोई नया टॉपिक।